हरि मरकट मरकटाय शेष नागाय विश्व स्वाहा। तू आई भोलेनाथ नागराज की, तू आई तेरे ताज की, नागमणि की रक्षा कर, नागमणि की रक्षा कर। नागमणि इसी हवेली में, मुझे नागमणि तक पहुंचना होगा, किसी भी हाल में उसे यहां से ले जाना होगा। यह आवाज कैसी? हवेली का ये हिस्सा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। शेषा ने जो जगह बताई थी ये वही है। नागमणि यही कहीं होनी चाहिए, मुझे किसी भी हाल में उसे ढूंढना होगा। ये तस्वीर कैसी है? तस्वीर के पीछे ये दरार, इतनी बड़ी और अजीब दरार, बस यही है और कहीं नहीं है। शायद इसे छिपाने के लिए ये तस्वीर लगाई गई, शायद ये दरार मुझे नागमणि तक ले जाए। आगे देखो, देखो प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 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 किसी को नहीं मारा है, प्लीज। पागल हो गया माली? माली आपका भाई, मैं नागिन को ढूंढ रहा था, नागिन आई है इसी कमरे में कहीं। जब ढूंढना था तब तो नहीं ढूंढा, आज उस नागिन ने मेरी पूजा भंग कर दी। और तू पूजा छोड़कर कहां चला गया? मुझे तो वापस आने नहीं चाहिए था। वो नागिन चौथे इंसान के बारे में जानती है लेकिन आपके बारे में नहीं जानती है। वो मुझे टेस्टना चाहती है, वो तो ऋतिक ने अगर उसका टाइम पे नहीं भगाया होता ना तो आज तो मेरी जान ले ही लेती। भाई तुम्हें मुझे एक बात बताइए, पूजा में तो शिवन्या बैठने वाली थी ना, फिर ये दिव्या क्या कर रही थी? तू पागल हो गया कह रहे माली, शिवन्या के पैर पर चोट लगी है और इस पूजा में कोई इच्छाधारी। चोट? चोट कब लगी, कैसे लगी, कहां पे लगी? बुढ़ापे में तो तेरा दिमाग सटिया गया है। नहीं नहीं नहीं, दिमाग नहीं सटका है, लगता मेरे जाने के बाद ये सब हुआ होगा। वैसे यामिनी जी, इसमें क्या है? इसमें वो देख, वो कलश देख, वो कलश के अंदर, उसी के अंदर है वो नागमणि। तो एंकी के रूप में शिवन्या आई थी और नागमणि के बारे में जान लिया मुझसे, तो वो जानती है, मैं उसके बारे में जानती हूं कि नागिन है वो। यामिनी जी आप चुप क्यों है, बोलिए ना, इसमें क्या है? इसमें कलश में क्या होगा? पूजा का जल होगा और क्या बुढ़े। पकड़ी गई नागिन,
ऋतिक ने शेषा को पकड़ लिया। माँ आपने सच कहा था, मेरी गर्दन पे जो निशान है मैं ही पकड़ सकता था इस नागिन को, और मैंने पकड़ लिया, और अब इसे मारूंगा भी मैं ही। लेकिन ये नागिन तुम्हें मिली कहाँ? ये शिवन्या का रूप लेके मेरे पास आई थी, और जिसने आपके साथ बदतमीजी की थी वो यही नागिन होगी। मेरी शिवन्या ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन शिवन्या कहाँ? पता नहीं माँ, पूरा घर छान लिया है मैंने, शिवन्या कहीं नहीं मिली। इसी नागिन ने उसे गायब किया होगा, पता नहीं कहाँ छिपा के रखा है शिवन्या को। अब यही नागिन बताएगी कि शिवन्या कहाँ है। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे इसे? हम नहीं माँ, गुरु माँ पता लगाएंगे। मैं इसे गुरु माँ के पास लेकर जा रहा हूं, पता नहीं कहाँ छिपा के रखा है मेरी शिवन्या को। भैया मैं भी आ रहा हूं आपके साथ। गुरु माँ को बताना होगा, पर कैसे बताऊं? इस खंजर में दुनिया के सबसे शक्तिशाली नाग नागिन का जहर है। इस शस्त्र का एक बार, सिर्फ एक बार, और नागिन नागिन खत्म। ये लो। ऋतिक बेटा, मैं समझ सकती हूं अपने प्यार को मारना कितना मुश्किल होता है। रहने दो बेटा। नहीं माँ, मैं मारूंगा उसे। गुरुमा, पर शिवन्या कहाँ मिलेगी? मिलेगी, मिलेगी जरूर। वो नागिन जमीन के दो गज नीचे हो या आसमान में, मेरे बाज उसे ढूंढ कर ही निकालेंगे। ये देखो, ये देखो, जा जा ढूंढ के निकाल किस बिल में छिपी है वो नागिन शिवन्या। इसकी शक्तियों को वश में किया तो मेरी शक्तियां चली गई, जिन्हें पाने के लिए मुझे पुनः साधना करनी होगी। ये सूरज ढलने तक ऐसे ही रहेगी, सूरज ढलने के साथ ही इसकी शक्तियां वापस लौट आएंगी। गुरुदेव, शेषा सच बोल रही है या झूठ? शिवन्या शिवजी की भक्त है, वो ऐसे नहीं मर सकती। मैंने जो विद्या सिखाई है उसका प्रयोग करो, स्वयं शिवजी बता देंगे कि शिवन्या कहां है। ओम शिव 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 शिवाय नमः, ओम नागदेवाय नमः। गुरुदेव, केवल शिवजी की मूर्ति दिखाई दे रही है, शिवन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। इस मूर्ति से जो जल निकल रहा है उसमें गंगा का वास है, यह जल नहीं अमृत है। शिवजी ने अगर तुम्हें यह स्थान दिखाया है तो यह संकेत है उनका कि शिवन्या वही है। गुरुदेव, आपसे और संग्राम सिंह जी से प्रार्थना है, आप दोनों जाइए और शिवन्या को ढूंढिए। मुझे यहीं रहना होगा शेषा को रोकने के लिए, क्योंकि सूरज ढलते ही इसकी ताकत वापस लौट आएगी और ये फिर से वार करेगी। ठीक है, तुम महामृत्युंजय का जाप करो, शिवन्या जहां भी होगी ये जाप उसे शक्ति देंगे, जीवन दान देंगे। Thank you.
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव ये तुमने क्या कर दिया? गुरुदेव हमारे पिता समान थे, तुमने उनकी जान ले ली। आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हे शिव जी, मुझे शक्ति दो। आज तक मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद, मेरे मां बाबा के कातिलों से इंतकाम। पर आज आज मुझे अपने गुरुदेव की मौत का भी बदला लेना है, वो भी मेरी अपनी बहन से। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब चुकाना होगा शेषा। इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो शिवन्या। ऋतिक कहाँ गायब हो गया? वो कहाँ चला गया? ये ऋतिक कौन है? ये कौन है? ये कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे कौन है ये? आत्मा? मुझे ना, मुझे वो नागमणि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए नागमणि? तू नाग? हाँ, तेरी कसम मुझे लग रहा। मुझे छोड़ दे, तू चला जा यहाँ से, चला जा। मैं अगर आपको छोड़ भी दूंगा तो भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। भुगतूंगी, भुगतूंगी। मैं अकेली अबला नारी, तू मुझे मत मार। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर। कहाँ चला गया ऋतिक? कहाँ चला गया ऋतिक? हमारा प्लान सफल हो गया। यामिनी पागल हो गई, अपने होश खो बैठी है। आज मैं तुमसे कहता हूँ शिवन्या, उस यामिनी ने तुम्हारे माँ बाबा को मारा ना। जाओ और अपना इंतकाम। वक्त आ गया उसके अंत का।